हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो के अंदर। हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऋतपाल सिंह मिर्ज़ा के बारे में। जैसा कि आप लोगों इनको जानते हो उचित तरह से, और आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा कि क्या बोला अपनी पार्टी के बारे में, क्यों छोड़ रहा हूँ मैं कांग्रेस पार्टी। आप इनका भाषण ज़रूर सुने, इनका छोटा सा भाषण है वो आपको लास्ट में बताएंगे, तो आप इसको वीडियो का अंत तक जरूर बन रहे और जाने पूरी बातें। और अब इन्होंने लिखा अब मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा, तो बात करते हैं अब क्या ये बीजेपी में जाएंगे, क्यों छोड़ रहे हैं ये कांग्रेस ही, क्या हुआ ऐसा। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो आए दोस्तों और बात करते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। और ऋतपाल सिंह मिर्ज़ा जल्द ज्वाइन कर सकते हैं भाजपा। मारवाड़ के बड़े किसान नेताओं में शुमार ऋतपाल सिंह मिर्ज़ा को लेकर पिछले एक साल से चर्चा है कि वो कभी भी बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। विधानसभा चुनाव से एन पहली उनकी भतीजी ज्योति मिर्ज़ा ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि तभी ये चर्चा था कि वह भी भतीजी की राह पर ही चलने वाले हैं, लेकिन उसी समय कांग्रेस ने उन्हें वीर तेजा बोर्ड का पहला चेयरमैन बना दिया था और बेटे विजयपाल मिर्ज़ा को दोबारा से डेगाना से और भतीजे तेजपाल मिर्ज़ा को खींवसर से विधानसभा से टिकट दे दिया था। और आगे चर्चा करते हैं, और यहाँ लिखा हुआ कांग्रेस में एक्टिव नहीं, तीनों ही चुनाव हारे। कांग्रेस में एक्टिव नहीं, तीनों ही चुनाव हारे। हालांकि ये दाव मिर्ज़ा के लिए सियासी फायदे वाला साबित नहीं हुआ। न सिर्फ बेटे और भतीजे को हार नसीब हुई, बल्कि बीजेपी का टिकट पर चुनाव लड़ने वाली भतीजी ज्योति को भी हार झेलनी पड़ी। कांग्रेस में उन्हें खुद का कोई भविष्य नज़र नहीं आ रहा है। उनके बयान भी इस ओर ही इशारा कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा था, मौजूदा समय में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि राम मंदिर निर्माण के बाद बदले हालातों में कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव में कोई स्कोप नहीं बचा है। आगे थोड़ा सा और चर्चा कर लेते हैं। मारवाड़ में कांग्रेस के बड़े लीडर्स में सुमार ऋतपाल मिर्ज़ा पूर्व केंद्रीय मंत्री नथुराम मिर्ज़ा के भतीजे हैं। परिवार को कानूनी पक्षणों से बचाने के लिए वो पहले भी एक बार बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं, यानी ये पहले भी बीजेपी में जा चुके हैं, बीजेपी में रह चुके हैं। तो ये सब बातें लिखी हुई इनके बारे में, ये सब उनके बारे में चर्चा चल रही है कि एक साल पहले भी ये बीजेपी में जाना चाहते थे, लेकिन एन वक्त पर उन्होंने उनको उनके बेटे को दोबारा से टिकट दे दिया गया था और उनको वीर तेजा बोर्ड का पहला चेयरमैन बना दिया गया था, और उनके बेटे को दोडेगाना से और उनके भतीजे को खिमस से इसको विधानसभा का टिकट दे दिया गया था, इसलिए उनको यहीं रहना पड़ा। इन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की, अन्यथा इनकी भतीजी के राहों पर चलते तो आज ही बीजेपी ज्वाइन कर लेते एक साल पहले ही। और वैसे तीनों को भी, भतीजी बेटे और भतीजे तीनों को ही इनको चुनाव हार से निपड़ी। तीनों एक्टिव नहीं, कांग्रेस में एक्टिव नहीं, तो इसलिए अब यह हो सकता है कि जा सकते हैं बीजेपी के अंदर, तो देखते हैं। और जैसे भी खबर आएगी बीजेपी जाने की तो आपके लिए वीडियो लेके आएंगे, आपको बताएंगे। और अब चलते हैं हम उस वीडियो की ओर जिसमें वो बता रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के बारे में, तो आपको सुनाते हैं वीडियो और चलते हैं, वो देखते हैं वीडियो। राजस्थान की मैं समझता हूँ कोई सीट ऐसी मेरे को लगता नहीं कि आज कांग्रेस पार्टी जीतने की स्थिति। जैसा कि दोस्तों अभी आप लोगों ने देखा था वीडियो, उसमें ये साफ साफ कह रहे कि कोई भी सीट जीतने की कगार पर नहीं है। तो जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, इस बार वो कह रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि वो कन्फर्म बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं और बीजेपी में आगे ही वो कुछ अपना नाम करेंगे, आगे बीजेपी साथ जुड़ सकते हैं।
क्योंकि उन्होंने अभी बोल दिया था कि कांग्रेस की कोई पार्टी सीट जीती नजर नहीं आ रही है, सब ऐसा कुछ बोल रहे थे कांग्रेस पार्टी के बारे में, जैसे लगता है कि वो कांग्रेस तो छोड़ सकते हैं और भाजपा को ज्वाइन करेंगे और भाजपा में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी इनके बारे में छोटी सी जानकारी। तो अगर आपको मेरी छोटी जानकारी पसंद आई है, वीडियो पसंद आया और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना भूलें। दोस्तों थैंक यू, धन्यवाद।